ऐसी भी मान्यता है कि शनि मूर्ति के चरणों के दर्शन करने चाहिए, उनका मुख नहीं देखना चाहिए। हाँ, यह भी भ्रांतियां हैं। इसके लिए मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे कोई से भी देव हो जिनको हम आदर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आदर का भाव रहता है कि यदि हम कोर्ट में जाते हैं, शनि एक्चुअली क्या है, धरती के न्यायाधीश है, और हम किसी भी न्यायाधीश के पास जाते हैं तो उसकी आंखों में आंखें देखकर बात नहीं करते हैं। तो जब उस कोर्ट में हम बात नहीं कर सकते तो धरती का न्यायाधीश है, तो उसकी आंखों में आंखें देखकर हम कैसे बात कर सकते हैं। तो यही भावना है उसमें छुपी हुई है, वहां पर हम आदर से भाव दें। और यह भी एक भ्रांति है कि उनकी आंखों में देख लिया। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि गुरुजी आज तो हमने शनि की आंखों में देख लिया, अब हमारा क्या होगा, हम तो आज का दिन तो खराब होगा, क्या हमारी और कुछ एक्सीडेंट नहीं हो जाए या हमारे साथ और कुछ भी हो जाए। तो नहीं, ऐसे लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं, शनि से आप बिल्कुल भयभीत ना हो। यदि आप उनकी दृष्टि भी देख लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। आप यदि ऐसा चाहते हैं कि उनका मुख देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय इसमें धर्म के अंदर जब तक हम मूर्ति पूजा के अंदर चेहरा नहीं देखते तो हमारे अंदर वो भाव आ नहीं पाते, तो उन भावों को प्राप्त करने के लिए, उन भावों को जगाने के लिए यदि आप शनि जी का चेहरा देखते हैं, उनकी आंखें देखते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। यह भी एक प्रकार की बहुत बुरी भ्रांति है, कई भ्रांतियों के साथ में, क्योंकि शनि के साथ हम जा नहीं पाते थे, मंदिर में जा नहीं पाते थे, तो इसलिए उनके साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ गई। यह भी एक भ्रांति है, इसका भी मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं कि आप उनकी आंखों में भी देख सकते हैं, इससे कहीं कोई किसी भी प्रकार का आप पर कोई दोष नहीं लगेगा और किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई शनि की पीड़ा नहीं रहेगी।